भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पार्वतीबाई से लेकर कलेक्ट्रेट तक आज दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग जन शामिल हुए। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली गई। दिव्यांग जनों का कहना है कि सरकार के समक्ष 16 मांगें रखी गई हैं और उन मांगों को जल्द सरकार पूरा करे, ऐसा सरकार से वे निवेदन करते हैं। दिव्यांग जन कई विषयों को लेकर लंबे समय से परेशान है, सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। ये दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा गुना जिले में 22 फरवरी से निकाली थी विकलांगों के द्वारा, जिसको आज 18 दिन हो गए सतत, और 16 सूत्री मांगे रखी है उन्होंने, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ निकली रैली? ये पार्वती धर्मशाला से कलेक्टर ऑफिस तक हम लोग जा रहे हैं खंडवा। मध्यप्रदेश विकलांग मंच, गति दिव्यांग सेवा समिति और प्रगति दिव्यांग सेवा समिति, हम तीनों मिलकर गुना को समर्थन कर रहे हैं स्वाभिमान यात्रा को। अपना परिचय? अखिलेश गुजर, मध्यप्रदेश विकलांग मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी किसी भी मुसीबत में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं।